Namo Mahabharinaya
पांडवों के प्रति एक प्रकार
ईर्ष्या और उस मानने के लिए भी बहुत सारा प्रयास किया था। जैसे नाक्षागुल में इसको जला के भस्म करने के लिए प्रयास किया और बड़ा होने के बाद अधर्म युद्ध क्रीड़ा में इसको हराया और उनका पूरा राज्य को छीन लिया और उनकी पत्नी को भस्म करने के लिए अपमान करने के लिए प्रयास किया और पानी भेज दिया, पानी को भेज दिया और जब मन से बाहर पीछे आ गया वापस आ गया सभी पांडव ने सोचा हमारा राज्य से वापस आ गया लेकिन धृतराष्ट्र ने नहीं माना और इस समय भगवान कृष्ण स्वयं गए थे वहां समझाने के लिए और पांडव ने बताया कम से कम हमको पांच गांव दो, हमको पूरा राज्य नहीं चाहिए कम से कम पांच गांव दो, फिर भी धृतराष्ट्र अंदर होने के कारण से विदुर ने ये सब देखा उनको अच्छा नहीं लगा था। ये कुरुक्षेत्र युद्ध होना अनिवार्य हो गया। उस समय उन्होंने उनका भाई जी के पास गया और बताया आपने जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, ये अधर्म है। भगवान कृष्ण स्वयं जब आए आप समझाने के लिए आपने नकार दिया, ये आपके लिए ठीक नहीं अच्छा नहीं। अब आप तो भीम को देखते डरते हैं फिर भी आप बुद्ध को नहीं तो उनको समझाते हैं। सही संतोष पुरुष विलास ते गुहां परिष्टो जन जन पत्र मध्य कृष्णा कृष्णा मोहोदत श्री सजास्य शैव कुलकौशलाय। ये जो आपका पुत्र है दुर्योधन ये पाप का स्वरूप, अगर पाप का एक रूप देना है आप कोई बने नहीं बने केवल दुर्योधन ही पाप का पुत्र पाप का रूप है और उन्होंने उनको एक महान पुत्र जैसे मान के बैठा है। ये अपत्य कौन है जो पतन से बचाते हैं उसको कहते हैं अपत्य। जब किसी को भी पुत्र नहीं होते उनको पिंड प्रदान करने वाला कोई नहीं होते उसके कारण पिंड प्रदान ना होने के कारण से जीव पतित हो जाए पतन हो जाए उसका पतन हो जाता है। सो ऐसे पतन से बचाने वाला होते हैं पुत्र इसलिए कहते हैं अपत्य पतन से बचाने वाला। पुत्र नामक एक पुत्र नामक एक नरक होते हैं वो नरक से बचाने वाला होते हैं पुत्र जिसे अपने पुत्र 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 हमेशा कहते हैं पुत्र नामक नरक से बचाने वाला। अर्थात जब आप उनको धर्म धर्म मार्ग में चलाते हैं वो आगे चल के आपको ये नरक से बचाएगा। अगर उसको धर्म ही नहीं बताया भक्ति नहीं बताया वो आपको ऐसे उद्धार करेगा और उनका पाप भी आपको मिलेगा। तो ये बता रहे कृष्णा से कृष्णा लोको गतश्री ये दुर्योधन जो है भगवान कृष्ण के पूरा विमुख है बिल्कुल नहीं मान। ऐसे व्यक्ति को आपके घर में रखा उसको अच्छा पोषण कर लिया प्यार से उसको ही कुछ राज देने के लिए प्रयास कर रहे इसके कारण से आपका कुल पूरा नाश होने वाला है। इसलिए अपने आप को बचाओ और गुरु को बचाओ ऐसा मित्र जी बता रहा था। उसी समय दुर्योधन उनके मित्रों के साथ बाहर गए। जब मित्र ऐसा बोला तो दुर्योधन ने आया और उन्होंने गुस्सा किया। जैसे शाम को जब कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर पाँव लगा दे तुरंत उसको साफ कैसे हो जाते हैं ऐसे उसकी स्वभाव से ही बहुत जाते सहने साफ हमेशा किसी को भी दसने के लिए तैयार करते। जब किसी ने उसका पाँव लगाया तो और बहुत ऐसे ही दुर्योधन जब उन्हें अच्छा चीज बताने के लिए प्रयास कर रहा था दुर्योधन को बहुत गुस्सा आ गया। तुरंत ये कौन है ये दासी को इसको अभी से निकाल दो खाना खा रहे हमारा और हमारा शत्रु का कार्य कर चलो इसको अभी से भगवान ये दासी पुत्र है ये शूद्र है ऐसे में बहुत चिल्लाया। लेकिन ये शब्द पितृ जी को मिले में एक बाण जैसे लगा फिर भी उन्होंने बिल्कुल चिंतित नहीं हुआ
कथा प्रथा, उन्होंने वो भी क्षत्रिय है वास्तव में, उनके पास बाण धन सब कुछ है, धनुष बाण सब है, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर हमला नहीं किया, इसका जरूरत नहीं है, ये सोच उन्होंने वहां छोड़ दिया और ये सोचा ये तो भगवान का एक माया है। यहाँ भगवान की माया दो प्रकार से काम किया, एक दुर्योधन के रूप में काम किया और विदुर जी के हृदय के अंदर से ज्ञान के रूप में काम किया। श्रीमद् भागवत भगवद्गीता में भी हम देख सकते उदासीन वचन सर्वार्थ परिचारी जो मन भक्त समय किया, जो व्यक्ति उसका लक्षण कर्तव्य था, कोई भी चीज के प्रति व्याकुल नहीं होते, डिस्टर्स नहीं होते, भगवान कहते हैं मेरा अगर भक्त हो तो उनका एक लक्षण होना चाहिए, कोई भी चीज के प्रति वो व्याकुल नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को दुख आते हैं उनके कर्म के अनुसार आते हैं, लेकिन भक्तों की जब भक्तों की ऐसा दुख जैसे महसूस होता है भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए होता है, भले वो उस समय में समझ नहीं आएगा लेकिन आगे चल के समझ में आएगा। जैसे बच्चे को माँ बाप डांट रहे पढ़ो पढ़ो तो बच्चे को अच्छा नहीं लगता है, पढ़ने के लिए खेलने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन बाद में समझ में आएगा अरे माँ बाप ने मुझे जबरदस्ती किया पढ़ाया इसलिए मैं IAS अफसर बन गया, बाद में समझ में आएगा। इसलिए चिंतित बिल्कुल नहीं किया और इस भगवान की रचना है ये सोचते हुए घर से निकल गया और तीर्थयात्रा चले गए। और एक राजा था मतलब एक क्षत्रिय था, लेकिन उन्हें बाहर चले गए एक अवधूता के रूप में चले गए, अवधूता ना ब्रह्मचर्य होते ना गृहस्थ होते ना आवास ना संन्यास, इसका पूरा देश भाव अलग ही होती है। तो जब उन्हें अवधूता रूप में जाने जगह सभी जगह में कोई भी इसको पहचान नहीं था, मैं तो एक जब राजा के रूप में जाते धृतराष्ट्र की भाई के रूप में जाते थे सब लोग मानेगा उनको वापस नमस्कार करना ये करना वो करना, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उनका पूरा शरीर धारण या उनका पूरा जगह पूरा बंदी कर दिया, अवधूता वेश ग्रहण करते हुए चले गए थे अयोध्या द्वारका ये सब अलग अलग जगह अलक्षिता स्वैरवत अवधूत वेशो व्रता चयन हरिपोषणा, उन्होंने कठोर व्रत उन्होंने अपनाया। जब भी तीर्थयात्रा में जाते हैं हर एक व्यक्ति व्रत करने के लिए जाना चाहिए, नॉट फॉर कम्फर्ट्स, कोई व्रत पालन करने के लिए, और ये व्रत किसके लिए हरितोषणा के भगवान कृष्ण की प्रीति अर्थ भगवान कृष्ण की प्रीति के लिए व्रत करना चाहिए, और व्रत करने का स्थान है तीर्थ, तीर्थ स्थान में हमें तो जाते हैं अभी भी आप सब लोग व्रत कर रहे हैं ऐसा क्या है भागवत श्रवण इज अ भक्ति इज नॉट अ व्रत, और लोगों से कहा था अच्छा बड़ा व्रत कर रहे आधा हो गया कर नीचे बैठना कितना तकलीफ है क्या घर में आप नीचे बैठे सोफा में बैठते हैं तो आराम चेयर में बैठते हैं, लेकिन यहाँ घर में 5 मिनट में बैठते हैं, पहले तो हम नीचे बैठे कम से कम 15 मिनट खाना खाते थे, अब नीचे कौन बैठने वाला है नीचे बैठे उसमें भी टाइम टेबल, लेकिन यहाँ आके 2 घंटा 2 आवर्स अब नीचे बैठे क्या ये व्रत नहीं हो सकता, कभी कभी हमको मालूम नहीं था व्रत कर रहे हैं लेकिन मालूम होना चाहिए कौन सा व्रत कर, जब भी मालूम होता है कौन सा चीज व्रत है कौन सा चीज व्रत नहीं है,
तभी व्रत ज्यादा करने के लिए आप कुछ प्रयास करें, क्योंकि व्रत ही भगवान को संतुष्ट करती है। अर्थात मेरे लिए कुछ न कुछ करने के लिए ये जीव प्रयास कर रहे हैं, ये चीज उनकी हृदय में जानना चाहिए। सो सबको मैं वंदन कर रहा हूँ, आप इतना व्रत पालन करते हुए श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए अगर आप ये 12 स्कंद, 12 स्कंद कितना अपने 12 स्कंद 12 महीने में कर रहे हैं, हम तो 15 महीने में करने वाले हैं। सो 15 महीने इंटू 15 इंटू 3 डेज कितना हो गया, 45 डेज। 45 डेज इंटू हाउ मेनी आवर्स, सो ऑलमोस्ट 100 आवर्स भगवान के लिए 100 घंटा बैठ, इतना आसान नहीं है, शायद पहली बार जीवन में करते हुए फर्स्ट बार। सो विदुर जी भी जब बाहर गए थे तीर्थ यात्रा में गए थे, प्रधान चेहरे हरि दोष नाथ ने व्रत किया था, तो हम हमेशा व्रत करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे एकादशी करते हैं, एकादशी क्या है, एकादशी व्रत, मैंने पिछले महीने बताया था, कम से कम अगले महीने से आप एकादशी व्रत को शुरू कीजिए, इसका प्रयास करता है। आसम क्या है और एकादशी का मैं मालूम परसों के दिन, वो भी एक व्रत है। सो जितना ही व्रत जो मिलते हैं वो करने के लिए हम प्रयास करना चाहिए। ये व्रत करने से ही भक्ति में कुछ रुचि आ सकती है, भगवान का भगवान हमारी तरफ देखने के लिए हम योग्य बन जाएंगे। तो ऐसे विदुर जी चल रहा था तो द्वारका के समय निकल के आया, उनको मालूम पड़ा कि कुरुक्षेत्र युद्ध हो गया, सभी कौरवों का नाश हो गया, तो थोड़ा दुख हुआ, सोचा अभी तो सभी लोग चले गए और युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, भगवान कृष्ण के साथ राजस्वेट करवाए, ये सब मालूम पड़ा, तो उन्होंने चलो वापस जाएंगे ये सोचते हुए उन्होंने नाक निकली अटे तरफ अर्थात हस्तिनापुर की ओर चले गए। चलते चलते हुए उन्होंने यमुना तट में आ गए, वहाँ हम लोग उद्धव जी से मुलाकात समागम हुआ, इवेंट उद्धव जी, जब उद्धव जी को देखा विदुर जी को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये साक्षात भगवान कृष्ण के से जब हम दर्शन स्थल में जाते हैं हम मालूम पड़ेगा कि उद्धव जी बिल्कुल कृष्ण कैसे होते हैं। जब जब उद्धव जी वृंदावन में आते हैं सभी गोपियाँ सही और ये सब बिल्कुल भगवान कृष्ण कैसे हैं ऐसे सोचते हैं। तो जब विदुर जी कह रहे भगवान उद्धव बिल्कुल कृष्ण कैसे हैं, विदुर जी उद्धव जी और उनको नमस्कार किया, दोनों भक्त जो दोनों भाइयों जो मिलते हैं मज्जिता मंदिर प्राण बोधय परस्पर कदम समान विद्या तुष्यंत चरवाण, कोई भी भक्त मिलते हैं उनके बीच में वार्तालाप से ही होते हैं कृष्ण क्या है, कृष्ण के बारे में पता चलता यही होता है। अगर इसके अलावा और कोई चर्चा हो रहे और कोई चर्चा शुरू हो रहे अर्थात दोनों में एक तो भक्त नहीं है, दोनों तो नहीं हो सकते। कभी कभी क्या होता है हमको कृष्ण के बारे में बोलना हो हम तो हमारा मुझे गुस्सा है, लेकिन और उन्होंने और कुछ चीज पूछ रहे तो जब मैं कृष्ण के बारे में बोलूंगा वो निकल गए। जब जब दोनों में जब कृष्ण की कथा नहीं हो रही था दोनों में एक तो एक कम से कम एक तो कृष्ण का भक्त, तो जब दोनों मिला तो मुझे तुरंत पहले भगवान कृष्ण के बारे में कुछ बताया मुझे, उन्होंने पूछा क्या वसुदेव जी कैसे हैं, जनकी जी कैसे हैं, भगवान कृष्ण कैसे हैं, सांबा अठूरा अनिरुद्ध ये सब कैसे हैं। उद्धव जी तो पहले से भगवान कृष्ण के भक्त थे, जैसे हमने पहला स्तर में भी चर्चा किया था परशु महाराज भगवान कृष्ण का भक्त पहले से, तो जब खिलौने गोली बच्चे होते हैं खिलौने से खेलते हैं, लेकिन परशु महाराज हमेशा भगवान कृष्ण की मूर्तियों से खेलते थे, ऐसे उद्धव जी भी कहते सेम भगवान की कृष्ण की मूर्ति ये ना और उससे ही खेलना, खेलना तो कैसे भगवान कृष्ण को स्नान करवाना भोजन
खिलाना, वस्त्र पहनाना, नहीं तो एक चूल्हे के ऊपर बिठा के खिलाना, ये सब कर बीच में माँ बता रही कहा रहा हूँ खाने के टाइम में तो चिंता अरे अरे क्या हो गया वापस खाने के टाइम हो गया ये क्या है ऐसा सोचते थे क्योंकि जब खाने के टाइम हो गया तो माँ बता रहे जल्दी आप जल्दी आप खाना खाओ क्या कितना देर देते हैं लेकिन उद्धव जी ने बहुत तंग आई क्या है बहुत 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 बता दी हर छह मिनट तक बता देते खाने के मैं तो भगवान कृष्ण के साथ खेलना चाहता हूँ ऐसा नहीं था दैट वॉज इतना भगवान के प्रति आकृष्ट है इसलिए भगवान कृष्ण का अंतरंग भक्त क्योंकि आगे ध्यान मालूम पड़ेगा कि भगवान कृष्ण सोचा उनके बारे में जानने वाला एक ही है ये दुनिया में धरती में तो वो उद्धव जी और कोई नहीं है क्योंकि वो तो स्वयं जाने वाले नहीं कृष्ण ने सदा को कह दे धर्म ज्ञान आदि सहा धर्म और ज्ञान के साथ में जाने वाला हूँ लेकिन मेरे बारे में जानने वाला और कोई नहीं है एक उद्धव के अलावा भगवान ने सोचा ये सोचते हुए उन्होंने क्या किया दस मिनट के बाद रक्षा कर लिया लेकिन कहने का बात करें कोई इंसान नहीं पहले से भगवान कृष्ण जब कृष्ण के बारे में उद्धव जी ने उनसे पूछा कि भगवान कृष्ण की उनका रिश्तेदार सब लोग कैसे द्वारका में कैसे मान कैसे दो मिनट के लिए उनको पूरा ध्यान मग्न हो गया लेकिन तुरंत बताया अभी मैं क्या बताऊं भगवान कृष्ण तो चले गए क्योंकि उद्धव जी द्वारका छोड़ के यमुना तट तक आगे आता भगवान को छोड़ क्यों क्यों आए तो पहले ही बताया कि भगवान कृष्ण अभी नहीं चले गए इसलिए काल रूपी सब हमारा घर तो पूरा खा लिया अभी कोई नहीं पूरा नाश हुआ मैं क्या बताऊं सभी यहां से सोचा भगवान कृष्ण को अभी भगवान के रूप में नहीं देखा उन्हें सोचे एक महान व्यक्ति है बस इतना ही देखा उनको मालूम भी नहीं पड़ा कि भगवान है स्वयं भगवान है सभी धरती को उद्धार करने के लिए आया और भक्तों को प्यार भगवत प्रिय बनाने के लिए आया लेकिन सभी सोचा कि एक महान व्यक्ति तो भगवान को मालूम पड़ गया इसको मालूम भी नहीं हो रहे कि मैं कौन हूँ ये सोच भगवान उनकी नजर से हट जब युधिष्ठिर महाराज ने राजस्व यज्ञ किया था उसका उनका एक ही उद्देश्य था कि मैं सभी लोगों से सभी व्यक्ति को बुलाऊंगा देवी देवताओं को बुलाऊंगा ब्रह्म आश्रम सबको बुलाऊंगा बुला के मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ चाहे कृष्ण ही भगवान है ये आत्मपुरुष है ये मैं घोषणा करना चाहता हूँ ये प्रयोजन से महाराज युधिष्ठिर ने राजस्व यज्ञ करवाया तो यहाँ युधिष्ठिर बता रहे भगवान कृष्ण को देखा सभी ने देखा सभी मुनिगण देखा ऋषि मुनि सब देखा लेकिन भगवान कृष्ण को तारीफ करने के बजाय उन्हें ब्रह्मा जी को तारीफ करने लगे ऐसे को ब्रह्मा जी का सृष्टि इतना महान है ऐसा कृष्ण को बनाया तो ऐसा बहुत भय ये जगत में ऐसा उनका जो मन में जो भावना था दुख था प्रकट कर क्योंकि एक सामने एक और महान भक्त है क्या विदुर कैसे भक्त हो गए विदुर जी और कोई नहीं है वास्तव में द्वादश महाजन में एक महान व्यक्ति है बारह महाजन है जो भगवान कृष्ण के बारे में संपूर्ण रूप से जानते हैं उसमें यमराज एक है यमराज जी शाप के कारण से शूद्र की शुद्ध पुत्र पत्नी यहाँ आ गया विदुर जी के रूप में अर्थात जब ऐसे महान व्यक्ति उद्धव जी दोनों सामने सामने जब कृष्ण के बारे में चर्चा हो रहा तो जब उनके हृदय को जानने वाला मन को जानने वाला व्यक्ति जब सामने आया कोई भी व्यक्ति बड़ा चिंतित हो जाते तो उनकी जो भावना है बोलने के लिए एक आदमी से ढूंढते तो उद्धव कैसे जाए विदुर जी आ गए सामने तो मैंने ये बताया जब
भगवान कृष्ण का खाली छह दिन का आयु था, उनका जन्म के छह दिन हुआ था। उस समय एक बड़ा राक्षस आया था, पुत्र भगवान को मारने के पहले से छोड़ उनका सर पे थोड़ा काला कुर्मिश जहर लगा के आया था। भगवान के पास आया और दूध पिलाने का प्रयास किया, दूध के साथ साथ वो भगवान को विष भी पिलाना था, लेकिन भगवान ने दूध भी पिया और साथ साथ में विष भी पिया और उसका प्राण भी पिया। लेकिन ये जो असाध्वी साध्वी था अच्छी गुणवाली असाध्वी जिगा सजा पाय अगर यद्य साध्वी असाध्वी अर्थात जो अपवित्र राक्षसी है राधा मदनमोहन जी ने भी चलाया, फिर भी उनका भाव तो क्या है कि भगवान को दूध पिलाना स्तनपान स्तनपान कराना, तो भगवान ने कर ही देगा ये भाव को देगा और उसको दादी का स्थान दे दिया, दादी का स्थान। तो विदुर यहाँ उद्धव जी याद कर लेंगे भगवान की लीला, जब विदुर ने पूछा भगवान की लीला बताइए कृष्ण लीला बताइए क्योंकि लीला को याद कर रहा था, जब भगवान एक राक्षसी को मारने के लिए आया भगवान ने उनको दादी का स्थान दिया, ऐसे दयालु भगवान को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, ऐसे दयालु भगवान को मैं कैसे भूल सकता हूँ। इसे ये श्लोक हमारा गुरु परंपरा में भी एक अच्छा कहानी होती है, हमको पंचतत्व महामंत्र मालूम है, मालूम है पंचतत्व के मंत्र क्या है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सनातन कलाधर शिवा साध गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे। इसमें गदाधर के नाम आया श्री अद्वैत गदाधर, गदाधर होते हैं भगवान की शक्ति स्वरूप तत् प्रकाश तत् शक्ति कृष्ण चैतन्य संपन्न, तो भगवान की शक्ति आधार आधारणी का गदाधर। तो जब जब गदाधर मायापुर में तथा नामित होते थे उनका एक वृक्ष होता था नाम है मुकुंद, दोनों मिलकर कोई भी साधु आते हैं नवदीप में उनको देखने के लिए जाते थे हमेशा। तो एक दिन एक महान व्यक्ति उनका नाम है पुंडरीक विद्यानी थी नवदीप में आए थे, पुंडरीक विद्यानी ने उनकी पिछले जन्म में और कोई नहीं था राधा रानी का पिताश्री विश्वभान, तो वही यहाँ आ गए इसलिए वापस और राधा रानी आई थी गदाधर। तो जब पुंडरीक विद्यानी आए जब जब जो मालूम पड़ा मुकुंद ने बताया कि एक महान व्यक्ति आज हमारे नवदीप में आए अभी हम जाएंगे, तो ये तो महान भक्त है गदाधर तो चलो हम जाएंगे और महान व्यक्ति का दर्शन करेंगे। वहां गए थे घर में लेकिन वहां जो मोहर देखा था उनको थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि कोई भी साधु हम सोचते हैं साधु के घर में जा रहे हैं साधु का सीधा साधा होते हैं त्रिकोण मीनिंग ग्रेट अरेंजमेंट सिंपल होना चाहिए, लेकिन पूरा वो रूम सजाया गया और वो भी महान जन कैसे हैं, एक बड़ा सोफा पे बैठा है, एक वंडरफुल ड्रेस पहना है, अत्तर लगाया है, कुछ पानी पी रहे और पूरा धूप अगर की वहाँ पूरा सेट अच्छा पूरा रहा है। तो जब ये सब देखा उन्होंने पूछा कि पुनर्विचार करते चलिए कौन है गदाधर के बारे में पूछा, तभी मुझे बताइए तो एक बड़ा एक अच्छा वैष्णव है पहले से भक्तों के प्रति वो आदर भाव है इसलिए आपका दर्शन कराने के लिए नहीं देख रहे, लेकिन गदाधर की मान्यता नहीं, मैं तो ज़्यादा सोच करके आया कि एक महान व्यक्ति है लेकिन आया तो एक भोगी जैसा दिख रहे, उन्हें नहीं बोला लेकिन मन में ये बात आ गई। जबकि
जब भावना आ रहे हैं तो उन्होंने देखा इनके मन में कुछ डाउट आ गया, तुरंत उन्होंने एक श्लोक उच्चारण किया जो भागवतम की भागवत उद्धव से बताया है। अहो बकीयम सनका रघुटम इगम तया मादेव प्रसाद्री येमे गतिं धातु चिताम पुण्यम कम्बादयालुं शरणं व्रजेमां। जब उन्होंने ये श्लोक बताया सुनते ही पुंडरीक विद्यानंदी की शरीर में पूरा परिवर्तन ही विकार आ गया, उनका शरीर पुलकित हो गया, परोश हो गया, उनके पूरा समाज भी चले गए, एक पागल आदमी हो गए, हस्त साथ भी करा गया, जो कुछ भी हाथ में देखने लगे कृष्णा कृष्णा कहा कृष्णा कहा, ऐसे चिंता चिंता जो है बेहोश हो गया और छह घंटा ऐसे बिल्कुल पूरा समाज में कभी ज्यादा को बहुत कभी तो नहीं मैं क्या सोचा ऐसे मान लें कि भगवान कृष्ण के बारे में कृष्ण की महिमा के बारे में कृष्ण की दया को दया के बारे में एक श्लोक सुनते ही इतना परवश हो गया इतना विभोर हो गया। ऐसे व्यक्ति को मैंने एक भोगी समझा, मेरा मेरा पाप तो विस्तृत नहीं है। और अगले दिन उनके पास गया, उनके चरण कमल में नमस्कार किया और गुरु के रूप में उनसे पूछा और वो और कोई नहीं है पिछले जन्म में उनका पिताश्री और नाम है अभी अभी ये जन्म में आ गया पदवी को सो आनंद खुश होगा। सो उद्धव जी ये सब क्या कह रहे थे, इसे भगवान की का दया भी मिलते उनको मारने के लिए आया लेकिन उनको दादी का स्थान दे दिया। और भगवान ने कैसे मथुरा में जन्म कैसे हुआ था, गोकुल में उन्हें कैसे आ गया और बाल बालों के साथ कैसे खेला और ये गोवर्धन पर्वत को कैसे उठाया सात दिन के लिए उठाया सभी को रक्षा किया था, ये सब चर्चा कर। और भगवान ने आगे उनको भगवान लीला को आगे बढ़ाते हुए कहते फिर बाद में कृष्ण और बलराम मथुरा में गए थे, मथुरा में जाके वहाँ कंस का वध किया था। इसके बाद कंस वध होने के बाद कृष्ण और बलराम दोनों शांतिपनी मुनि के आश्रम में चले गए, शांतिपनी मुनि आश्रम में चले जाके वहाँ उन्होंने अभी विद्या अभ्यास 64 डेज में 64 कड़ा, क्योंकि विद्या में 64 कड़ा होते हैं, लेकिन एक दिन में एक कड़ा उन्होंने पूरा ग्रहण कर लिया। और ये पूरा विद्या विद्या प्राप्ति करने के बाद कृष्ण और बलराम से चलता गुरु के लिए कुछ दक्षिणा देना चाहिए, ये सोचते हुए तो मालूम पड़ा कि बहुत दिन के पहले कुछ सालों के पहले गुरु का पुत्र का निधन हुआ, मैं एक स्नान करने के समुद्र में गया और समुद्र में पूछ तो मैं सोचते हुए पुत्र को वापस ले जाके गुरु को दक्षिणा के रूप में देने के लिए गए थे, पूरा विश्व में उनके पुत्र के लिए पूरा, फिर अंत में यमपुरी युवराज के पास गए थे और वहां से लेके आ गए उनके गुरु को दे दिया गुरु की दक्षिणा। और गुरु को दक्षिणा को दक्षिणा रूप में गुरु का जो वृद्ध पुत्र है दिया और भगवान उनसे और प्रार्थना किया, हे गुरुवर आप और कोई इच्छा है तो बताइए मैं पूरा करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि आपने इतना विद्या दिया हमको दक्षिणा के रूप में, आप चाहते जो चाहते हैं देने के लिए हम तैयार हैं। तभी साथियों ने बताया आप जैसे शिष्य मुझे मिला और क्या चाहिए, और मैं तो बहुत प्रसन्न हो गया। अब मैं आपको यह बात दे रहा हूं कि आपके हृदय में जो आपने सुना वेद मंत्र हमेशा नित्य नूतन रहेगा, अब ये जन्म में और अगले जन्म में हमेशा नित्य नूतन रहेगा, ये मैं वरदान दे रहा हूं। शास्त्र नहीं कह रहा जैसे तेरे पराभक्ति रात तेरी धराम हो, क्योंकि जब गुरु संतुष्ट हो जाते शास्त्र का जो रहस्य है हृदय में प्रकट होते तब तक प्रकट नहीं होगा, और जब तक पढ़ते पूरा जीवन भर शास्त्र पढ़ते रहो फिर भी वो विषय हमारे हृदय में प्रकट नहीं होता, हम सुनने के लिए आएगा पूरा श्लोक भी हमारा कंठस्थ हो जाएगा लेकिन उसका भाव उसका अनुभव हमारे हृदय में कभी भी प्रकट नहीं होगा, लेकिन हम गुरु संतुष्ट हो गया लेकिन भगवान होने के नाते एक
प्रथा एक विधि ये भगवान ने पास है और एक विशेष है और गुरु ने जो आशीर्वाद दिया ये सब ये चर्चा करने की विषय है। मैंने बताया जो आपने मन सुना नित्य नूतन रहेंगे और हमारे ये वेद मंत्र क्या है श्रीमद् भागवतम गीता यही हमारी है। ये चीज जब हम लगते हैं ये हमेशा नित्य जब इसमें नया नया लग रहे जब ऐसे भावना ऐसा स्थिति में हम आ जाते तभी हो गया हमको गुरु का आशीर्वाद। लेकिन क्या होगा हमने कितना बार सुना भगवत गीता अभिज्ञा सुनेगा कितना बार सुना भागवतम क्या सुनेंगे ऐसा नहीं बोलेंगे लेकिन अंदर तो ये होगा अर्थात गुरु का कृपा नहीं है नित्य नित्य नहीं है लेकिन नित्य नित्य का अनुभव हमको है। यह सब क्या है व्हाट इज नित्य नित्य हमेशा नया। तो जो व्यक्ति को वेद शांत नित्य नूतन लगते हैं उसका उद्धार होता है क्योंकि तो हमेशा सुनते रहे भगवान कृष्ण कथा सुनते रहे। जब भगवान कृष्ण हमेशा सुनते रहे ना जैसे उनका और कहाँ जगह मिलेगा सर्वन धाम में ही रहता है नित्य नूतन हमको भी लगता है एक चीज अर्थात कर्म में हमको जो चीज हमेशा पाते हैं फिर भी नए लगता है ऐसा अनुभव हमको भी है ऐसा चीज ऐसा नहीं कि आपको नहीं है कुछ है ऐसा वो नहीं है ना वही तकलीफ है। जब भगवदगीता भागवत हमेशा नहीं लगता है हो गया वहां उद्धार हो गया भगवान गुरु का कृपा हो गया इसके लिए हम तड़प रहे। लेकिन ऐसा ऐसा एक चीज है जो हमेशा नहीं लगते वो भी हमारा अनुभव है ऐसा बोल रहा हूँ माता जी प्रभु से बनी था प्रसाद एवरी डे वी आर रीडिंग ओनली राइस एवरी डे वी आर रीडिंग ओनली चपाती कर ग्रीन एंड राइस सब्जी भी जितना हो कम से मैक्सिमम एक बारह होगा पंद्रह होगा पंद्रह से ज्यादा तो नहीं है सब्जी वही काम करेगा वो फिर भी एवरी टाइम वी फील दिस वाली चिंता ना लेट अस थिंक दैट ऐसे चीज भगवत गीता के प्रति हो जाए बस इतना सोच एक ना एक दिन तो गुरु का कृपा होता है अर्थात नित्य नित्य क्या होता है वो अनुभव है हमको इज नॉट अ थियोरी इज अ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कुछ नया चीज नहीं है। तो क्यों हम भगवत गीता भागवत के प्रति नित्य नित्य ये अनुभव क्यों नहीं होते क्योंकि गुरु का कृपा है। जब भगवान कृष्ण को शादी में ऐसे कोई आशीर्वाद दिया था वो आशीर्वाद मिला सब कुछ मिला सीक्रेट ऑफ है सीक्रेट ऑफ आवर स्पिरिचुअल है। भगवान ने रुक्मिणी से विवाह किया था और नरकासुर को वध किया और नरकासुर के कारागृह में 16,100 वाघ मारी थी सबने में भगवान ने शादी की। ये सब चीज करने के बाद भी फिर बाद में कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान ने रचाया अब सोते हैं दुर्योधन के कारण से हो गया वास्तव में भगवान का इच्छा था कि भूभार को हरण करना इसलिए भगवान की रचना से ही कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था इसमें सभी कौरव भी नष्ट हो गया पांडवों का दल सेना भी नष्ट हो गया। ये सब होने के बाद भगवान ने सोचा और राक्षस का वध भी हो गया लेकिन अभी भी कुछ बचा है वो ये मेरा यादवगण क्योंकि ये सभी यादव मेरे जैसे बलवान है आगे चल के एक उत्पात या उपद्रव लेके आ सकते ये सोच के भगवान एक ब्राह्मण शाप के रूप में यादवों को भी विनाश देने के लिए एक योजना किया। उस समय भगवान के अंतरंगिक भक्त अलावा सब सभी लोग
ये जगह में मिलेगा प्रभास कीर्ता। प्रभास कीर्ता एक जगह है द्वारका के पास, वहाँ जो कभी व्यक्ति शरीर छोड़ते हैं स्वर्ग में चले जाते हैं, क्योंकि भगवान को सेवा करने के लिए बहुत सारे देवी देवता आए थे, उनके भक्त भी आए थे, इसलिए देवी देवता जो आए थे वो सभी लोग प्रभास कीर्ति में चले गए, क्योंकि उनको जगह में जाना है भगवान में जाने के तो नहीं, इसलिए सभी लोग प्रभास कीर्ति में गया और वहाँ आपस में लड़ा है और अपने आप को मारा है सभी लोग। जैसे सभी पूरा दुनिया को उसका भार हरण करने के बाद कृष्ण अकेला गए थे सरस्वती नदी के तट में, गए थे वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठा। द्वारका से बाहर आने के पहले भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान दिया था, जिसे कहते हैं उद्धव गीता। उद्धव गीता के 11वां तब तक इंतजार करना, वेरी बिग एक्सप्लेनेशन। उद्धव जी बताया, पूरा ज्ञान बताया था, चिंता मत करो बताया था, लेकिन भगवान को और बताया आप बद्रिकाश्रम में चले जाओ, बताया और भगवान ने वहां से निकल लिए। लेकिन उद्धव जी को भगवान को छोड़ना बिल्कुल उनका पॉसिबल नहीं था, उनकी हाथ में नहीं था, इसे भगवान के पीछे भी छोड़ गए थे। भगवान बोला था तुम तो बद्रिकाश्रम में चले जाओ, लेकिन भगवान को बात भी नहीं माना, भगवान के पीछे गया और देखा भगवान एक पेड़ के नीचे बैठा था और उधर से वापस गया। अभी तक पूरा ज्ञान प्रदान किया, वापस जाके भगवान के पास, भगवान के मालूम है मेरा भक्त तो भक्त मुझे कभी भी छोड़ना नहीं चाहते, उनके पास उस समय मैत्रेय मुनि भी भगवान के पास आए। तो भगवान के सामने दो है, एक है मैत्रेय मुनि, एक है उद्धव जी। भगवान उद्धव जी को देखते हुए बताया आप तो असल वसु में एक महान वसु है, आपने सोचा मेरे सेवा के अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए, आपके मन में यही था और आप चाहते हमेशा मेरा संग पाने का आपका इच्छा था, इसलिए मैंने जो दुर्लभ है मेरा संग मैं आपको दे दिया, इसलिए मेरा घनिष्ठ भक्त बन गया, मेरा अंतरंग भक्त बन गया, मैं आपको ज्ञान प्रदान किया और मेरा जो महिमा जो होते हैं मैंने ब्रह्मा जी को बताया। भगवान कृष्ण उद्धव जी को वापस बता रहे, मैत्रेय मुनि के सामने बता रहे, मेरे महिमा को मैंने ब्रह्मा जी को बताया, उसको ही कहते हैं श्रीमद् भागवतम, अर्थात जो भागवतम है भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्मा जी को बताया। भागवतम तो कभी भी हम सामान्य चीज नहीं, कभी नहीं सुनना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए। आप बोलेंगे हम तो कब बोले, हम कभी नहीं बोला भागवत नहीं सुना ही से श्रीमद् भागवत हर दिन सुनने के लिए, हर दिन मंदिर में आने के लिए नहीं, कहना बात है नित्यम भागवत सेवा। आप कहीं भी हो कैसे भी हो श्रीमद् भागवत को हर दिन श्रवण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए या कीर्तन करना चाहिए, यह चर्चा किया था। यह सब सब लोग याद है, इसका श्लोक क्या बता सकते हैं, श्लोक क्या इसके बारे में, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति नैष्ठिकी। ये उसमें भागवतम का श्रवण तो हर दिन होना चाहिए, तभी ये अवध जो है ऑलमोस्ट नष्ट नष्ट हो सकता है। ये चीजें बताया जब भगवान ने उद्धव जी से ये बताया और भगवान ने और ही बताया यही कि उद्धव जी आपके लिए यही है आखिरी जन्म, ये आखिरी जन्म आपके, इसके बाद आप
भगवान मेरे हमारे धाम में आप खेले जा सकते डायरेक्टली बता इससे आप क्या आ सकता है अगर कोई भी महादेव का आ गई आप कला कैसे लगे आपको बोलिए कैसे लगे बिल्कुल नहीं लगेगा मगर सारे बच्चे यहाँ से लगेंगे बिल्कुल नहीं लगेंगे हम सोचते हैं लोग तेरे जब तुकार महाराज घर घर में जाके बताया एक हफ्ते के बाद मैं जा रहा हूं जो आना चाहते हैं मेरे साथ आ जाओ तो कौन गए थे घर वाले भी नहीं गए समझ लो अर्थात अगर एक अनाउंसमेंट हो जाए अभी दो एक मिनट के अंदर गर्भ जी आने वाले हैं जो जो तैयार है उनके वहां चले जाओ ऐसा अनाउंसमेंट किया कितना हो जाएगा ओके साफ कर देते सारे आप सब तो लेकिन प्रूफ ऑफ मगर तो ऐसा हो जाए देन विल दे और पेंटिंग में अब तक याद आ गया सो क्योंकि जब तक ये दुनिया से जो संबंध काटते नहीं तब तक वहां दिन होते नहीं काटते वहां दिन होते नहीं दैट इज सीक्रेट वो काटने के लिए भी पूरा हमारा प्रयास करने के लिए पूरा प्रयास भगवान कह रहे भगवान आप तो आ गया तो ऐसा व्यक्ति हम भागवत में हो सकते हम देख सकते ध्रुव महाराज कितने काम देखेंगे उसने भी उसको पहले भगवान बताए इसके बाद मेरे पास क्या आ गया तो भगवान को तो जो है यही आपका आखिरी जन्म तो जब उद्धव जी ने सुना कि भगवान ने स्वयं बताया श्रीमद भागवतम ने ब्रह्मा जी को बताया तो पूछा कि आपके माइंड में के बारे में और एक बार मुझे बता दीजिए तो वापस पूछा भगवान कोई समय नहीं तो भगवान कृष्ण ने तो वापस उद्धव जी बताया अभी हो गया आप चले जाओ अभी बद्रिकाश्रम में चले जाओ अपने बताया जाओ और बद्रिकाश्रम में आते आते हुए विदुर से मिले इसलिए उन्होंने वार्तालाप करा तो जब उद्धव जी ने विदुर को ऐसे बताया कि भगवान कृष्ण ने स्वयं बताया सब लीलाएं बताई और उनकी महिमा के बारे में बताया तो विदुर जी पूछा जो भगवान कृष्ण ने आप बताया क्या मुझे बोल सकते हैं थोड़ा मुझे बता दिए वो कुछ बताए तभी उद्धव जी बताया ये चीज मैं नहीं बताने वाला हूँ आप तो मैत्रेय गुरु के पास जाना है क्योंकि जब भगवान ने बताया मैं भी सुना और मैत्रेय गुरु भी सुना था इसलिए मैं तो आपको भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में सब कुछ बताया आगे का जो जो भी सुना है महिमा के बारे में सृष्टि के बारे में आप मैत्रेय गुरु से सुनो अभी तो मैं जा रहा तो पूरा रात भर उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा किया था और सभी लोग काम उन्होंने निकल पड़े और बताया था आपको मैत्रेय गुरु का दर्शन होगा मिलन होगा गंगा तक में होगा तो गंगा तक में जाओ अभी तो यमुना में है गंगा तक में जाओ वहां आपको मैत्रेय गुरु से मिलन होगा ऐसे उद्धव जी बताया था जब ये चीज हो रहा था परिषमाधव ने संदेश प्रश्न आ गया जब सभी जागरों का विनाश हो गया कि उद्धव जी कैसे बच गए उन्होंने परिषमाधव ने सुखदेव को समझ पूछा था सभी का विनाश हो गया लेकिन उद्धव जी नहीं समझ कि भगवान ने सोचा मेरे बारे में सोचने मेरा कृष्ण सुधाम कहते हैं भगवान कृष्ण राधा मदनमोहन जी की भगवान कृष्ण ले गए थे धर्म और ज्ञान के साथ तो भगवान चले मैं तो धर्म और ज्ञान के साथ निकल जा रहा हूँ लेकिन मेरा महिमा के बारे में जानने वाला ये दुनिया में एक ही है उद्धव जी तो मेरे बारे में सभी दुनिया को ये प्रचार कर सकते हैं बता सकते हैं इसलिए कल निरंतर ये रहने अब ये तो त्रिगुण से मुक्त है
तो यहाँ जाने में इनको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। जब तक हमको त्रिगुण से प्रॉब्लम नहीं है, तीनों गुणों से दिक्कत नहीं है, क्या जगत में हम रह सकते हैं। लेकिन तीन गुणों से दिक्कत है, यहाँ आने के लिए कुछ डर नहीं। तो भगवान खुद बताए कि उद्धव जी को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है तीन गुणों के बाद में, तो ये वो यहाँ रह सकते हैं। उनको कलयुगा अंत तक बद्रिकाश्रम में रहने के लिए, इसके बाद उद्धव जी के लिए जाएगा भगवान। तब तक वहां गए तो बद्रिकाश्रम में गए तो हमको दो महावीर जी का दर्शन हो सकता है, एक है व्यासदेव जी, एक है। तो जब उद्धव जी ये बताते हुए चले गए तो विदुर जी गंगा के तट पर चले गए, हरिद्वार में गए, गंगा से हरिद्वार गए थे, वहां हमको मैत्रेय मुनि का दर्शन हुआ, मैत्रेय मुनि से मिलन हुआ। वो भी भगवान से पूरा ज्ञान प्राप्त किया था, उद्धव जी और मैत्रेय मुनि दोनों साथ साथ में भगवान से ज्ञान प्राप्त किया था। और विदुर ने थोड़ा उद्धव से सुना और थोड़ा मैत्री मुझसे सुनने के लिए गंगा तट पहला थोड़ी देर हमने सुना था यमुना तट पे और रिमेनिंग पार्ट गंगा तट। तो उन्होंने कोई भी वार्तालाप शुरू होने के लिए तो प्रश्न तो करना चाहिए, तो विदुर जी प्रश्न करते हैं। पूछा भगवान ने कौन सा अवतार दिया था, भगवान ने जगत का सृष्टि कैसे करते हैं, और ये गुण कर्म लक्षण उनके नाम का सृष्टि कैसे होती है, ये सब चीज उन्होंने पूछा था। उस समय मैत्रेय मुनि सृष्टि के बारे में जो हमने चर्चा किया था, सुखदेव गोस्वामी को बताया था, वही चीज उन्होंने शुरू किया था। प्रथम पुरुष से महातत्व का सृष्टि हुआ, मात्र सृष्टि हुआ था, पंचभूतों का सृष्टि हुआ था, कर्मों का सृष्टि हुआ था, काल का सृष्टि हुआ था, गुणों का सृष्टि हुआ था। जैसे तुझे पहले आकाश, आकाश का लक्षण क्या है, आकाश का लक्षण है शब्द, आकाश से आ गया वायु, वायु का दो लक्षण है शब्द और स्पर्श, और वायु से आ गया अग्नि, अग्नि से आ गया अग्नि में तीन लक्षण है शब्द स्पर्श और रूप, और अग्नि से आया जल, जल में चार है शब्द स्पर्श रूप रस, और पानी से जल से आया धरती धरणी, शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, ये पांच प्रकार की लक्षण होती है, ये सब चीज उन्होंने बताया था। और फिर बाद में देवी देवताओं का सृष्टि भी हुआ था द्वितीय पुरुष से, ये सब चीज उन्होंने बता रहा था। जब विष्णु रूप सृष्टि के बारे में जब मैत्रेय मुनि कह रहा था, उन्होंने बताया भगवान ने पहला पुरुष जो है 23 तत्वों का सृष्टि किया था। ये 23 सृष्टि कैसे है, पंचभूत पृथ्वी जल वायु आकाश, पृथ्वी पांच पंचभूत और पंच ज्ञान इंद्रिया शब्द स्पर्श रूप नव श्रोत्र चक्षु स्पर्श रसन घ्राण, पंच ज्ञान इंद्रिया पंच कर्मेंद्रिय हाथ पैर पेट उपस्थ और उलन, पांच कर्मेंद्रिय और क्या है और पांच और भी है इंद्रियांतर और पांच, इसको कहते हैं हम पंच तन्मात्र शब्द स्पर्श रूप रस गंध। फिर बाद में महातत्व अहंकार और मन, ये पूरा 23 एलिमेंट्स
प्रवेश किया विराट भूमि के विराट रूप। ये विराट रूप ही मैत्री में कहते हैं तीन संख्या में बताए जाते हैं, कभी इसको तीन दस या एक शब्द संख्या में बताए जाते हैं। तीन क्या है? देह मन और इंद्रिया, ये तीन होते हैं, इसको भी विराट रूप में बताए जाते हैं। और दस है दस प्रकार की वायु जो हमारा शरीर में होते, टेन टाइप्स ऑफ एयर, जो प्राण वायु है जो हम सांस लेते, अपान वायु है रिस्पॉन्स स्मेल, फिर बाद में समान वायु जो हम खाना खाते हैं इसको लेवल करते, तो हमको लव करते रहते अंदर लाते रहते, लेकिन इसको एक लेवल करना चाहिए, इसको कहते हैं समान वायु। जब वो समान करते हैं हमको आत्मा का चैतन्य
है, उसका काल देश या कोई भी का परिचय नहीं है, लेकिन फिर भी ये अविद्या में फंस जाते हैं। कारण क्या है? वो तो चैतन्य रूप है, फिर भी अविद्या में क्यों फंस जाते हैं? पढ़ना नहीं पड़ता साथ साथ और एक पूछा, परमात्मा के रूप में भगवान तो हर एक जीव के हृदय में है, फिर भी उसको दुख क्यों होते हैं? हम अंत तक भी नहीं करते, भगवान हमारे हृदय में है, तकलीफ जीवों को क्यों होते हैं? दो प्रश्न तो हमारे भी सब अलग भी आज करते हैं, तो चेतन के रूप है, फिर क्या अनुजा में जाते हैं? भगवान हृदय में इतना निकट में है, इतना निकट कोई भी नहीं, हमारा हाथ भी थोड़ा दूर में है, लेकिन भगवान बहुत अंदर ही है, फिर भी जीवों को दो दुख होते हैं। तो मैं देखो बताया, देखो उधर जी, अगर आकाश में देखते हैं तो चंद्रमा दिखते हैं, तो अचल अचल होते हैं, लेकिन जब वही चंद्र का बिंब प्रतिबिंब होते हैं जल में, दिखेगा आपको गिर रहा है। ऐसे ही वास्तव में अविद्या में या जड़ रूप में आत्मा को देखने के कारण से भी उनके सब करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति सो रहा है, उनके सामने आ गया कि उसका सर किसने काट लिया, जब सपने में सर काटा गया, क्या वास्तव में सर काटना आ जाएगा? इसलिए जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की सेवा में निरंतर लगन रहते हैं, उनकी सेवा में तृप्त होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे हमको तीन प्रकार की नींद होते हैं, एक नींद है अभी अभी सोया पूरा नींद नहीं आया फर्स्ट स्टेज, दूसरा थोड़ा सपना आते रहते हैं, तीसरा टोटल डीप स्लीप नो सपना नथिंग। उस समय क्योंकि जब सपना आ गया इसमें कुछ अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, कुछ टेंशन कुछ टेंशन भी होता है कुछ अच्छा अलग दोनों होते हैं, लेकिन डीप स्लीप में डीप स्लीप टोटल स्लंबर अभी बिलाने के होने वाले हैं, ऐसा कर वो कंडीशन में सुनने के और जो दुख है सब हो गया। ऐसे ही भगवान कृष्ण की सेवा में संपूर्ण मन से जो लगे हो जाते हैं, जैसे गहरा नींद में जैसे सभी दुख नष्ट हो गए, ऐसे ही उनका भी पूरा नष्ट नष्ट होता है। मैं तेरे प्यार से सभी कष्टों का दुखों का एकमात्र उपाय है कि संपूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाना है। ये सब चीज बताते हुए आगे बढ़ते हैं। सभी जीवों में सृष्टि के बारे में मैत्रेय मैत्रेय ने पूछा था, उस समय मैत्रेय ने बता दें ये जो चीज आपने पूछ रहे हैं ये सृष्टि के बारे में, एक विषय संकर्ष भगवान सनत कुमार को बताया था। हमको एक परंपरा मालूम है जो भागवतम सुना, जैसे भगवान कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, व्यासदेव जी सुखदेव गोस्वामी, परेश महाराज, समयसुंदर गोस्वामी, सुंदर गोस्वामी जी, सब यहाँ मैत्री मुनि और एक
संप्रदाय और एक परंपरा के अनुसार जो सृष्टि के बारे में जब विदुर जी ने प्रश्न किया था तब इस मैत्री बता रहे ये जो प्रवृत्त ये भागवतम पुराणम यदा साक्षात भगवान ऋषिभ्यः भगवान स्वयं ऋषियों को बताया श्रीमद् भागवतम ये कैसे बात है सभी ऋषि मुनि एक बार संकर्षण भगवान के पास जो विश्व के नीचे सबसे नीचे है क्योंकि पूरा ब्रह्मांड को उठा कर रखने वाला संकर्षण भगवान उनके पास सभी ऋषि मुनि गए थे श्रीमद् भागवत सुनने के लिए और सभी लोग गए थे गंगा जी की धारा में चले गए वहां तक जाने की रास्ता कैसे वहां श्रीमद् भागवत में गंगा की धारा में चले गए इसलिए सभी का शरीर पूरा गंगा से टोटल इफेक्ट पूरा पानी से नहा गया कैसे गंगा जी वहां गए थे वहां सनक सनंदन सनातन संत कुमार चार कुमार और सभी ऋषि मुनि भी है और सनत कुमार ने संघर्ष भगवान से प्रार्थना किया और विनती किया भगवान आपकी महिमा बताइए तो तभी संघर्ष भगवान ने सभी ऋषि मुनियों को बताया सनत कुमार के द्वारा श्रीमद् भागवतम प्रवर्तये भागवतम पुराणम यदा साक्षात भगवान ऋषिभ्यः भगवान ने साक्षात ऋषियों को बताया था श्रीमद् भागवतम उस समय उन्होंने जो श्रीमद् भागवत सुना था सनत कुमार उन्होंने सांख्याय मुनि और एक मुनि को बताया सांख्याय मुनि जब सांख्याय मुनि ने सुना था उन्होंने सांख्याय मुनि पराशर और बृहस्पति दोनों को बताया श्रीमद् भागवत और पराशर मुनि ने मैत्रेय मुनि को बताया और मैत्रेय मुनि अभी इतर जी को बताया और एक श्रीमद् भागवत पहली बार सुना तो स्वयं भगवान ये पूरा विश्व ब्रह्मांड के नीचे वहां भी बैठ के सभी ऋषि मुनि एक ही कार्य भगवान की कथा सुना तो भगवान वहां तो बड़ा काम कर रहे क्या कर रहे पूरा ब्रह्मांड को उठा के कुछ कार्य कर रहे लेकिन लीलाओं के बारे में बताने के लिए वो भी इच्छुक थे सनत कुमार और सभी ऋषि मुनि थे और सनत कुमार को उन्हें बताया सनत कुमार ने सांख्याय मुनि को बताया सांख्याय मुनि ने पराशर और बृहस्पति को बताया और पराशर ने मैत्रेय मुनि को बताया मैत्रेय मुनि यहाँ दो चीजें बताया जब ब्रह्मा जी का सृष्टि हुआ था ब्रह्मा जी का सृष्टि कहाँ हुआ लेकिन प्रथम पुरुष क्या द्वितीय पुरुष या तृतीय पुरुष द्वितीय पुरुष हिरण्य गर्भ विराट रूपा ये सब भगवान है इनका बहुत अच्छा विषय जब ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ था कोई भी नजर में नहीं आया पूरा जगह तो पानी ही पानी पूरा तब उस समय उन्होंने उनका दो शब्द एक शब्द ने में आया दो बार क्या था तपा तपा दो बार उसका अर्थ है कि आध्यात्मिक प्रगति पाने के लिए साथ साथ में बौद्धिक प्रगति पाने के लिए आपको तप भी करना है तप के अलावा व्रत के अलावा कोई भी व्यक्ति उनके जीवन में या उनकी या यज्ञ में भले वो आध्यात्मिक यज्ञ हो या बौद्धिक कोई भी चीज हो उसको इसमें सफल होने के लिए तपस्वी तब तक ही एकमात्र साधन तो ब्रह्मा जी जब तप से किया तो भगवान का दर्शन हुआ भगवान दर्शन के बाद स्तुति किया और भगवान से प्रार्थना किया हे भगवान सृष्टि करने के लिए मुझे क्षमता दीजिए मुझे वर दीजिए तो भगवान बताया मैं तो पहले ही दे चुका हूं मैं ऑलरेडी मैंने दिया जैसे भगवान ने अर्जुन को समझाते ये तो द्रोण भीष्म जयद्रथ ये सब तो मैंने ऑलरेडी मार चुका आई ऑलरेडी किल्ड ऑल दिस पीपल खाली आप ऊपर ऊपर से लेकर अब जय को प्राप्त करो एवरीथिंग इज ऑलरेडी डन टू गॉड तो भगवान ने बताया मैंने आपसे जो पूछ रहा था मैं तो ऑलरेडी कर चुका हूँ अभी आप इसी का कार्य में कार्य कर सकते हो बताया
और उन्होंने और एक चीज बताया प्रसन्न हनुमान जी को, आपने तब तप किया साथ साथ में मेरा दर्शन जब हुआ, मुझे मेरा दर्शन पाने के लिए आपने बहुत इच्छुक थे और आपने सोचा आप प्रकाश करने के लिए मेरा कृपा ही चाहिए, आपने ये सब सोचा था, लेकिन आप ये जानते हो ये सब चीज मेरा कृपा ही मेरा कृपा के कारण ही इसलिए हुआ था, अर्थात अगर आपने तब किया मेरा कृपा से, आपने मुझे देखने की इच्छा प्रकट किया मेरा कृपा से, अगर हम भक्ति कर पा रहे, हम जप कर पा रहे, हम यहाँ भागवत सुनने के लिए दो घंटा हम तो व्रत कर रहे हैं, व्रत करने के लिए ये शक्ति कौन है, भगवान की कृपा से हो ये सब कुछ। अगर कोई भी व्यक्ति हर दिन मंगलार्थ में आए ऐसे भावना हो गया, लेकिन हर एक कदम एक हर एक पल में उसने भगवान की कृपा से नहीं कर पा रहा, ये भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को आप तब किया लेकिन ये आपका शक्ति नहीं, ये मेरा कृपा है। हमारा आचार्य ने बताया रूप गोस्वामी भगवान ने जो भक्ति करने के लिए हमको एक अवसर प्राप्त किया, इसको जो ऋण चुकाने के लिए हम करोड़ों करोड़ों जन्मों में भक्ति करना पड़े। कृष्ण भक्ति जो है ये एक अनमोल चीज है, अनमोल चीज भगवान की कृपा से ही चिंतन यही बात है, भगवान चाहे तो मुक्ति दे देगा लेकिन उनका प्रेम भक्ति कभी नहीं देगा, प्रेम भक्ति कभी नहीं देगा, मुक्ति चाहे दे देगा लेकिन उनकी सेवा, क्योंकि उनकी सेवा में रह जाना ये सामान्य चीज नहीं है, उनकी कृपा से ही हो सकता। जब ये भावना आ जाते तो हम विनम्र बन जाते हैं, नहीं तो थोड़ी देर के बाद हम सीनियर बन जाते हैं, यू बिकम सीनियर एवरी टाइम यू गेट सर्विस टू एवरीबॉडी, यस प्रभु। सो इवन आफ्टर 30 इयर्स डोंट बिकम सीनियर, बिकम ओनली हंबल। भगवान की कृपा से मैं 25 साल से भगवान की सेवा कर रहा हूँ, ये भावना है तो 25 साल से भक्ति कर रहा हूँ तो हो गया आपके फल। देखो 25 साल से भगवान की कृपा मेरे ऊपर बरस रही लग गए जस्ट इमेजिन, हो 25 साल तो वैसे ही जारी है लेकिन आपकी भावना आपको भक्त बनाया है, ये तो एक और भी बनाया। इसलिए भगवान ने जो बताया ब्रह्मा जी को बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ माई मेरा कृपा के कारण से ही आप ये व्रत कर पाए, तो मैं आगे का सृष्टि कर लो ये चीज बताने के बाद ब्रह्मा जी ने अलग अलग प्रकार की सृष्टि किया था। इसमें श्रीमद् भागवत में कहा गया है इसमें 9 प्रकार की सृष्टि बताया गया, मैंने भी कहते एक भागवत सृष्टि नित्य अहंकार नित्य आकार, अर्थात ब्रह्मा जी नहीं बताया नहीं बनाया था, लेकिन ब्रह्मा जी जो सृष्टि किया वो तो किए हैं, एक है स्थावर जंगम मनुष्य, स्थावर होते सभी वृक्ष पौधे सब होते हैं, जंगम अर्थात बीच जो पशु होते हैं, पशु का अर्थ है उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक ही इंद्रिय होते हैं वो क्या है ना, जो जीव स्मेल करने से ध्यान से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं वो नीच जीव, और जो जीव उनकी सुनने से सब श्रवण कर रहे देख रहे उससे जो प्राप्त करते हैं, नीचे जो जीव होते हैं वो ध्यान से ज्ञान प्राप्त करने की कर सकते हैं। सो सेवेंथ इज द स्थावर और आठवां जो सृष्टि है सभी नीचे जीव जाति और मानव होते हैं नौ नाइन्थ क्रिएशन।
फिर बाद में मैत्री आगे चल के परमाणु से काल गणन कैसे होते बताते पूर्ण विश्व में सृष्टि में सबसे बड़ा चीज बड़ों से बड़ा चीज क्या है ब्रह्मांड जिसके अंदर में सभी 14 भुवन में बहुत बड़ा ब्रह्मांड सबसे बड़ा और सबसे छोटा एक है कुछ कहते हैं परमाणु जिसको परमाणु परमाणु शब्द ने सुना कभी परमाणु अणु से भी छोटा है परमाणु लेकिन परमाणु का कृष्ण से क्या संबंध है क्या कृष्णा में कृष्ण से कोई संबंध है परमाणु नमस्कार मॉडर्न कैपिटल तो वन लवा इज इक्वल टू
गुस्सा अंदर है लेकिन बाहर इधर है तो हमारा मुंह तो इधर हो जाता है।
तो उनकी भ्रुकुटी से एक बालक आ गया, रोते हुए बाहर आ गए, इसके लिए नाम हो गया रुद्रा शिव जी। तो इसलिए ब्रह्मा जी का पुत्र है शिव जी, वो बालक रोते रोते बाहर आ गया था ब्रह्मा जी का पुत्र। जो लोग अरे मेरा जगह कहाँ, मेरा जगह कहाँ है, तो चिंता मत करो अभी आ गया आपने, तो उन्हें छह जगह हमको दे दिया था, हृदय इंद्रिय प्राण वायु पंचभूत सूर्यचंद्र और तपा, ये सब आपके स्थान है, आप चले जाओ और मैं आपको पत्नियां दे रहा हूँ, 11 पत्नी रुद्राणी दे दिया भगवान ने, और इनके साथ आप प्रजा सृष्टि करो। जो ब्रह्मा जी बताया शिव जी प्रजा सृष्टि करने लगे, लेकिन शिव जी तो तमोगुण अवतार है और उन्होंने जो प्रजा सृष्टि किया वो भी तमोगुण बन गया, वो हलचल करने लगे, वो ब्रह्मा जी को भी इसके ऊपर आ गया माता जाने की, अरे तभी शिव जी अरे आप सृष्टि बंद करो, बहुत गड़बड़ हो गए, क्योंकि जो आपने सृष्टि किया वो मुझे खुद आके मेरे ऊपर हमला करे, आपकी सृष्टि बंद करो जो भगवान ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हो गए,
स्वायं व मनु और दोनों मैथुन क्रिया से आते हैं। जब उन्होंने दोनों भगवान को ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और भगवान ब्रह्मा जी ने बताया आगे दोनों मिलके मैथुन क्रिया से प्रजा का सृष्टि करो, तो उनको दो पुत्र हुए थे, एक है प्रियव्रता उत्ताना पाद और तीन पुत्री आकृति देवमूर्ति प्रसूति, तीन पुत्री पुत्री का और दो पुत्र पांच। तो स्वयं मैं हूँ ये दोनों, ये प्रियव्रता उत्ताना पाद ये दोनों का कहानी हमको आगे स्कंद में आएगा। आगे बढ़ते थे और पुत्रियों के बारे में आकृति देवत प्रसूति देवहूति के बारे में तीसरा स्थान में हम चर्चा करने वाले कल प्रसूति। सो आकृति को स्वयं भगवान ने रुचि नामक एक ऋषि को दिया है, देवहूति को कर्तमहूति को दिया है, प्रसूति को दक्ष दक्ष प्रजापति ये तीनों के साथ विवाह कराया और ये तीनों को उनकी जो ऋषियों के ऋषि जो पति ऋषि जब ऋषि पति हो गए तो उनकी संतान जो है सत्वगुण वाले उनके द्वारा आगे दिन हमको मालूम होते ये कर्तव्य कैसे प्रजा का सृष्टि किया था, दक्ष प्रजापति कैसे किया था, ये सब चीज हम आगे सो स्वयं हुआ मनो ये तीनों को आकृति रुचि महामुनि को दिया, देवाकृति कर्तमुनि को दिया और प्रसिद्ध को दर्शन और ये देवहूति और कर्तमुनि का विवाह कैसे हुआ, भगवान कर्तमुनि के प्रति प्रसन्न होके उनके पुत्र के रूप में भगवान का इच्छा था कि सांख्य ज्ञान सबको दिया जाए, इसलिए भगवान उनके भक्तों के घर में उनके भक्ति घर में पुत्र के रूप में प्रकट हुए। इसके बारे में हम कल चर्चा कैसे ये स्वयं हो मनु उनके पुत्र का देवहूति को प्रथम होने को विवाह किया और दोनों का दोनों को देवहूति कर्तव्य होने को भगवान का जन्म दे सकता है। कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत का धराज की श्रीमद् भागवत।